करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सेफ होंगे अपनी फैमिलीज के साथ। आज की जो वीडियो है मेरी, अगेन मेरी पर्सनल कमिटमेंट से तो मैं बाहर निकला हूँ, आपको दिख रहा है कि मैं बाहर ही हूँ। आज की वीडियो बहरहाल हम एक और रिकवरी स्टोरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं रुकना नहीं चाह रहा। रिकवरी स्टोरी जितनी आती जा रही है उतनी मैं अपने चैनल पर अपलोड करता जाऊँगा। इन जनाब के साथ क्या हुआ, क्या इनके सिम्टम्स थे? ये बेचारे वेंटिलेटर पे जाने वाले थे और मतलब ऑक्सीजन लगने वाली थी, कहते थे कि बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनकी तबीयत बेहतर हुई? आइए चलते हैं, सुनते हैं इनकी जबानी, इनकी रिकवरी स्टोरी और फिर इस पर बात करते हैं। आपको अंदाजा हुआ होगा कि कुछ दिनों पहले मैं कोरोना वायरस का शिकार हुआ था और वो जो सिम्टम्स बताए जाते थे वो तमाम सिम्टम्स मुझ में पाए गए। मतलब जैसे बुखार का होना, गला खराब होना या इस तरह, फिर क्या कहते हैं जो टेस्ट है, जायका है, जायके का खत्म हो जाना, स्मेल सेंस जो है वो खत्म हो जाना, फिर इस तरह सांस का मसला और फिर उसके बाद खांसी का मसला। तो ये बाज़ लोग तो हमारे बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं, लेकिन इसके असल हकीकत ये है कि जब इसमें सांस का मसला शुरू हो जाता है और खांसी का मसला शुरू हो जाता है, ये इस वक्त फिर बहुत एक जानलेवा कंडीशन में हो जाती है। मुझे, मैं उस वक्त बात करने की कंडीशन में नहीं था और आज इस वीडियो पैगाम का मकसद भी ये है कि आज मैं भी सदका जारिया के तौर पे आप सबके साथ ये शेयर कर रहा हूं और आप भी फर्दर इसको सदका जारिया के तौर पर जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसा कोई अमल कर जाते हैं, ऐसा कोई काम कर जाते हैं कि जो अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल कर लेता है और उसका अजर हमें मिलता है। तो इस वजह से मैं भी आपसे ये शेयर कर रहा हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फर्दर भी शेयर कीजिएगा कि मैं जब इस कंडीशन में आ गया कि मेरा सांस लेना महाल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, सेल फोन मैंने ऑफ किया हुआ था, अचानक मैंने सेल फोन खोला उस वक्त तो मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। मेरा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा, अब्बास खान, यूएई में होता है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार जहांगीर खान, अगर आपको सांस का मसला शुरू हो चुका हो या ऐसा कोई ऐसी आप तकलीफ महसूस करें तो आप मेडिसिन न यूज करें बस, बल्कि इसकी जगह आप लौंग का खावा जो है, लौंग का स्टीम जो है वो आप ले लें, तो इससे आपको फायदा होगा। तो मैंने उनकी बात पे अमल किया कि यार ठीक है, मेडिसिन पर भी तजर्बा कर चुका हूं, बाकी चीजों पर भी तजर्बा कर चुका हूं, तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए। तो मेरी कंडीशन तो ऐसी थी कि मैं चल फिर नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, पर घर में मैंने बताया कि जी लौंग का स्टीम मतलब वो बनाए, लौंग को उबाल दें। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप 10 से 12 दाने जो हैं वो पानी में डाल के उसको उबालें, जब उसका स्टीम निकलना शुरू हो जाता वो स्टीम मुंह या नाक के जरिए ले लें। तो जाहिर है कि मुंह के जरिए मैं सांस ले नहीं सकता था और यकीन करें कि ऐसा मैं उसके ऊपर मतलब उसके सामने मुंह रख के मुंह भी खोला हुआ उसकी जगह मतलब वो स्टीम लेने की कोशिश कर रहा था। बिलीव मी कि 5 मिनट की बात थी, 5 से 10 मिनट की ये टोटल इसका वक्फा था कि जब मैं किचन से बाहर आया तो एकदम मेरी सांस जो है वो खुल गई। उसके बाद जूं जूं वक्त गुजरता गया मुझे रिलीफ मिलता गया। तो ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बाद हमारे पेशेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं, उनको वेंटिलेटर पे ले जाते हैं। तो हमारे ऐसे पाकिस्तान के हमारे गरीब अवाम हैं जिनके पास मतलब जिनके गांव में या जिनके देहात में अस्पताल की भी सहूलत नहीं होती है, तो वेंटिलेटर तो जाहिर है कि नहीं होना, जो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आप में से या आपके पड़ोस में से या आपके रिश्तेदारों में से कोई भी मतलब इस वबा का शिकार हो और उसे सांस की तकलीफ हो तो उसे जरूर बताइए कि लौंग का स्टीम, लौंग को पानी में उबाल के उसका स्टीम ले लें, इंशाल्लाह दिनों में नहीं लेकिन मिनटों में आपको उसका फायदा पहुंचेगा और आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितनी कारामद चीज है। ये और हमारी बदकिस्मती है कि कोरोना वायरस के सिलसिले में जितनी भी मतलब सोशल मीडिया पे या मीडिया पे नशर की गई थी ये चीज कारामद है, ये मेडिसिन कारामद है, तो हमारी बदकिस्मती है कि उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान से फिर बातें करना लग जाती हैं। इस तरह सनामक्की के बारे में बताया जाता है कि सनामक्की भी बहुत ज्यादा कारामद चीज है, उसकी मतलब कावा पीने, बिल्कुल मैंने खुद भी इस्तेमाल किया, लेकिन जिस वक्त सनामक्की 50 रुपए किलो मिला करती थी, जब लोगों को पता चला, माफिया को पता चला, तो उसकी कीमत जो है वो आज 500 रुपए पाव के हिसाब से भी नहीं मिलती। तो इस तरह लौंग के बारे में भी
लेकिन हम वो चीज नहीं सोचते। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी आप बीती जो मुझ पे बीती है आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि मैं इस कंडीशन में था कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि यह रात मुश्किल बमुश्किल मेरी निकल जाएगी। मतलब वो जिंदगी और मौत के कश्मकश में था, तो अल्लाह ताला ने मुझे इससे सेहतियाबी अता की है। अल्लाह ताला मेरे उस दोस्त का भी उसको अजर अता फरमाए जिसने मुझसे शेयर किया। मैंने फर्दर फिर उसी दिन जब थोड़ा सा मैं रिकवर हुआ था, एक वीडियो मैसेज भी मैंने दिया था, उसमें भी मुझे बहुत फीडबैक आया। इसलिए सेपरेट ये मैं वीडियो मैसेज देना चाह रहा हूं ताकि आप सबसे शेयर करें कि अगर जो भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुका हो, उसको खांसी या सांस में लेने का मसला शुरू हो चुका हो, तो उनसे गुजारिश है कि वो लौंग का जो स्टीम है वो ज्यादा से ज्यादा लिया करें, और लौंग का स्टीम के साथ वो जो पानी थोड़ा सा मतलब मामूली सा ठंडा पड़ जाए तो उसको खावे के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये वीडियो मैसेज देना है, लेकिन मेरी जाती गुजारिश आप सबसे ये है कि अगर हो सके तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, ये थी आज की रिकवरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इन्होंने जैसे बताया क्लोव, मैंने आपको क्लोव का पहले भी कहा था कि क्लोव एक बहुत जबरदस्त चीज है, जिसे हम लौंग कहते हैं। दांत के दर्द हो, कोई भी हो, आप रखें तो ये जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा तो ये पीछे वाला दांत भी है उस पर भी मैंने क्लोव रखा था, और फिर ऑब्वियसली फॉर द टाइम बीइंग इट गेव मी सम रिलैक्सेशन। फिर मेरे डेंटिस्ट के पास अल्टीमेटली जाना पड़ा, लेकिन ये है कि इन्होंने जो स्टीम ली है उनसे इनको काफ़ी फायदा हुआ है। और मैंने अपना रूटीन ये रखा हुआ है, तीन चार चीज़ें जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में कही थी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, वो तो मैं करता ही हूँ। मैंने ऐड कर लिया है कि मैं इसकी स्टीम भी लेता हूँ दिन में एक दफ़ा जो है, या रात में सोने से पहले एक दफ़ा स्टीम ज़रूर ले लेता हूँ। कोई हर्ज नहीं है इससे, आपको यही है बेहतर फील होता है इससे, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो हम इतने वेल प्रिपेयर्ड हों, हमारी लंग्स इतनी वेल प्रिपेयर्ड हों कि इसको फाइट ऑफ कर सके। तो ये थी एक और रिकवरी स्टोरी। अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी जानने वाले को, रिश्तेदार को ये बीमारी लाहक है, तो आप उसके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उसे पता चले कि हाउ टू ट्रीट हिमसेल्फ इन होम आइसोलेशन। थैंक यू वेरी मच। इसी वीडियो के साथ और इसी नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा अपने होस्ट राहिल खान को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।